Hello everyone and welcome to the channel. My name is Manjeet and today I will be recommending movies of one of my favorite writer directors of all time. Inka naam hai Shane Black and he has written movies like Lethal Weapon 1, Lethal Weapon 2 and he's also been a director of the Predator series. ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं और उनके डायलॉग्स की अप्रोच बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होते हैं एंड ही लाइक्स टू ब्रेक द थर्ड वॉल वेरी ऑफन. सो द फर्स्ट मूवी दैट आई एम रिकमेंडिंग ऑफ हिम इज किस किस बैंग बैंग. दिस मूवी स्टार्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड वाल किल्मर इन लीड रोल्स. बेसिकली इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक सीन से जहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बर्गलरी कर रहे होते हैं, एक गिफ्ट शॉप में चोरी कर रहे होते हैं एंड सडनली द अलार्म जस्ट गोज ऑफ एंड देन ही हैज़ टू रन फॉर इट. एंड उसके बाद उनका जो पार्टनर इन क्राइम होता है ही गेट्स शॉट एंड समहाउ आफ्टर रनिंग अ लॉट ही गेट्स इनटू अ कास्टिंग रूम जहाँ पर एक ऑडिशन प्रोसेस चल रही होती है. वहाँ का जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो उनका परफॉर्मेंस देख के उनको इतना पसंद कर लेता है कि उनको अपनी मूवी में ले लेता है एंड दैट इज़ हाउ लाइक ही रियली लाइक्स द मेथड एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर्स कैरेक्टर. एंड इसी तरह से एक थीफ का कैरेक्टर अल्टीमेटली बिकम्स एन हॉलीवुड एक्टर. एंड इफ दिस वॉज नॉट वियर्ड इनफ इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैरेक्टर हैरी लॉकहार्ट एक हॉलीवुड पार्टी में होता है जहाँ पर उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मिलता है जो कि पोर्ट्रे करते हैं वाल किल्मर. एंड उनकी एक बचपन की दोस्त भी होती है जो कि मूवी में मिशेल मोनागन ने पोर्ट्रे करी है. एंड समहाउ द ट्रायो ऑफ देम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बिकम्स पार्ट ऑफ एन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. दिस वॉज लाइक बेसिक आउटलाइन ऑफ वॉट द प्लॉट ऑफ किस किस बैंग बैंग इज ऑल अबाउट. This is one of the most stylish movies ever made and the dialogues of the movies are very personal and just like I said, Shane Black really likes to play with the third wall breaking thing. Basically, third wall breaking is something is a protagonist या फिर कोई ऐसा character movie का इस बात से aware हो जाता है that he is actually inside a movie और वो अपना character break करके audience से सीधे बात करता है. And this is like a very unique storytelling element और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा stylish होता है but somehow Shane Black just takes it to another level. One of the best movies that I like which uses this unique element of storytelling is Big Short. It is directed by Adam McKay and it is a good example of how you can actually break third wall in a very cool way. And it is a very good movie and I think that you should really watch that also. But for now, if you are really interested in a very killer performance of Robert Downey Jr., then I think that Kiss Kiss Bang Bang is a movie that you should definitely watch. The second movie that I am recommending today is Nice Guys. Nice Guys is one of the most underrated movies. It has like everything in the perfect order. इस मूवी में बेसिकली दो डिटेक्टिव की कहानी है जो एक केस पे काम कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं शेन ब्लैक की मूवीज़ में जहाँ पर दो डिटेक्टिव्स होते हैं जो बाद में बड़ी डिटेक्टिव्स बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक केस पे अल्टीमेटली साथ में काम करते हैं एंड समहाउ दे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ एट द एंड ऑफ द मूवी. बेसिकली द प्लॉट इज अबाउट टू डिटेक्टिव्स. वन इज पोर्ट्रेड बाय रसेल क्रो इज अ हार्ड कोर by the method detective who really doesn't depend on any luck and the second detective is portrayed by Ryan Gosling who is like ultimately dependent on luck and he's a detective jiske paas aisa kuch kaam nahi hai and he's really willing to do things for even a dollar. Why this movie is the most underrated and I think one of the best witty movies ever because hota kya hai ki ek naya idea emerge out karta hai एंड जैसे एक विटी सिनेमा का आइडिया एमर्ज आउट करता है और वेरी सरकास्टिक डायलॉग्स एंड वेरी थर्ड वॉल ब्रेकिंग थिंग्स एंड फिर व्हाट मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स रियली डू इज कि उस आइडिया को इतना रेप्लिकेट करते रहते हैं कि वो एक लिमिट पे आके मोनोटोनस बन जाता है एंड दैट इज़ वेयर शेन ब्लैक इज़ एन एक्सेप्शन. ही इज़ समवन हु रियली रिफ्रेशेज दिस जॉनर एंड ही एड्स समथिंग न्यू एवरी टाइम व्हेन ही मेक्स अ वेरी विटी स्क्रीन प्ले. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अ मूवी दैट हैज़ अ वेरी witty screenplay and that has a very stylish approach and that is the most underrated movies of all time and an exceptional performance by Ryan Gosling, then I think Nice Guys is something that you should really consider. So these were the movies that I wanted to recommend today. Do share your experience after watching these movies. That was all for today. Until then, keep watching movies.